डियर फ्रेंड्स उम्मीद है आप सब कह से होंगे हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पिक्यूनरी जुरसडिक्शन सेक्शन नंबर सिक्स सी पी सी पिक्यूनरी की जाने की तरफ से पहले हम ये देख लें कि जुरस्डिक्शन अकॉर्डिंग टू सी पी सी कितने काइंड्स की होती है सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जुरशन होती कितने काइंड्स की है जुरस्डिक्शन जो है सिक्स काइंडस की जुरस्डिक्शन बताई गई है कौन कौन सी एक है सब्जेक्ट मैटर जुरसडिक्शन सब्जेक्ट मैटर जुरसडिक्शन हम उसको कहते हैं कि आपका जो भी सब्जेक्ट मैटर है सब्जेक्ट मैटर मीन्स कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी जुरिस्डिक्शन कहाँ पर लगती है इट मीन्स के आपका इलाका कौन सा है आपका तालुका कौन सा है उसके बाद है टेरिटोरियल जुरस्डिक्शन अब टेरिटोरियल जुरस्डिक्शन और सब्जेक्ट मैटर में ज़्यादा थिन लाइन लाइनें डिफरेंस है टेरिटोरियल जुरस्डिक्शन भी हमें यही बताती है कि लेट सपोज कि आपकी प्रॉपर्टी है वो सिचुएटेड है शिदार्थपुर में अब उसका जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो सिचुएटेड है टंडवाजम में तो इट मींस कि आपकी मर्जी आप टेरिटोरियल डिजिटल हमें बताती है कि आपकी मर्जी आप वहाँ पर सूट दाखिल करना चाहें वहाँ पर भी कर सकते हैं यहाँ पर करना चाहें यहाँ पर भी कर सकते हैं इट मीन्स के टेरिटोरियल जिसडिक्शन सिंपली मैं कहूँ कि वो टेरिटरी बताती है आपको कि आपकी हद बताती है कि कोर्ट की लिमिट कहाँ पर है और आप किस कोर्ट में अपना केस लेकर जा सकते हैं उसके बाद है पिक्यूनरी जरिस्डिक्शन पिक्यूनरी का वर्ड जो पिक्यूनरी है उसकी मीनिंग है वैल्यूएशन कि आपका जो भी आपकी जो भी प्रॉपर्टी है या आप जो भी सूट दाखिल कर रहे हैं उस सूट की वैल्यू कितनी है आपकी प्रॉपर्टी की अमाउंट कितनी है कि अब अगर आप कोई सिविल जज के पास लेके जाना चाह रहे हैं तो उसकी जो लिमिट है वो फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ है ठीक है अब फिफ्टी थाउजेंड से अपवर्ड अगर होगी तो वो होगी सीनियर सिविल जज के पास अब सीनियर सिविल जज के पास अगर आप लेकर जा रहे हैं कोई भी अपना केस जो कि के एक करोड़ का है फिफ्टी लेख रुपीज़ की आपकी प्रॉपर्टी है तो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन हमें ये बताती है उसके बाद है पर्सनल जुरस्डिक्शन पर्सनल जुरस्डिक्शन अप्लाई होती है फैमिली केसेस के अंदर पर्सनल जुरस्डिक्शन हमें ये बताती है कि आपके जो भी फैमिली के केसेस हैं जैसे कि खुला का केस तलाक का केस ठीक है अब आपकी वाइफ रहती है कराची के अंदर आप रहते हैं हैदराबाद के अंदर ठीक है अब आपकी वाइफ आपसे लेना चाहती है खुला तो इट मीन्स कि आपकी वाइफ अगर चाहे तो कराची के अंदर अपना सूट दाखिल कर सकती है उसकी पर्सनल जुरिस्डिक्शन है कराची तो वहाँ पर सूट दाखिल करके आपसे आपसे वो खुला ले सकती है उसके बाद है अपीलेट जुरिसडक्शन अपीलेट जुरस्डिक्शन क्या होती है कि एटलीस्ट आप जिस कोर्ट में अपील फ़ाइल कर रहे हैं उसके पास अपीलेट जुरस्डिक्शन है या नहीं उसके बाद है रिविजनल जुरस्डिक्शन रिविजनल जुरसडिक्शन क्या है रिविजनल जुरस्डिक्शन मीन्स कि आप जहाँ पर रिवीजन फाइल कर रहे हैं उसके पास उसकी जुरिस्डिक्शन हद है या नहीं अब आते हैं हम पिक्यूनरी जुरिस्टिक्शन की डेफिनेशन के ऊपर अगर हम बात करें पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की डेफिनेशन पर तो पिक्यूनरी जुरस्डिक्शन हमें बताती है सिंपली कि आपका जो भी सब्जेक्ट मैटर है आपका जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसकी वैल्यू कितनी है उसकी वैल्यू के हिसाब से आप अपना सूट दाखिल करेंगे ठीक है अब अगर हम क्लासेस देखें कि पिक्यूनर जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल जजेस सिविल जजेस के जो पिक्यूनर जुरिस्डिक्शन के क्लासेस हैं वो कितने हैं सिविल जज जो हमारा सिविल जज है उसकी लिमिट है फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ और जो सीनियर सिविल जज है उसकी है अप टू फिफ्टी थाउजेंड रुपीज अपवर्ड ठीक है तो सिविल जज uh, की कितनी है फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ सीनियर सिविल जज की है अप टू फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ चलो हम इसको थोड़ा और आसान कर लेते हैं अब हमारे पास जो पिक्युलर जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल जज फर्स्ट क्लास है फर्स्ट क्लास है उसकी क्या है उसकी है अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन अब अगर हमारे पास है सिविल जज ऑफ सेकेंड क्लास तो उसकी क्या जुरिस्डिक्शन है उसकी जुरिस्डिक्शन सेकेंड क्लास की है लिमिटेड अप टू फाइव लाख रुपीस लिमिटेड अप टू फाइव लाख रुपीस पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल जज थर्ड क्लास अगर थर्ड क्लास का सिविल जज है तो उसकी जुरिस्डिक्शन क्या है लिमिटेड अप टू टू लाख रुपीस लिमिटेड कितनी है अप टू टू लाख रुपीस अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है हमारे पास जो स्टडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर आ जाता है या आपसे कोई भी पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा सिटी है जिसके अंदर जो जुरस्डिक्शन है वो हाई कोर्ट को दे दी गई है तो आप याद रखें कि सिर्फ़ और सिर्फ कराची को ये कराची के हाई कोर्ट को ये जुरस्डिक्शन है कि वहाँ पर डेढ़ करोड़ से ऊपर अप टू वन करोड़ से ऊपर जितने भी हमारे प्रॉपर्टी के, के केसेज़ हैं वो चलेंगे डायरेक्ट हाई कोर्ट में तो ये कहाँ पर अप्लाई होगा सिर्फ़ और सिर्फ कराची के अंदर अप्लाई होगा अब ऐसा क्यों हुआ उसका रीज़न बिहाइंड क्या है उसका रीज़न बिहाइंड ये है कि कराची के अंदर आपने देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ हैं प्रॉपर्टी के सूट दाखिल होना शुरू हो गए और वहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टी बहुत महंगी प्रॉपर्टीज़ हैं थ्री करोड़ फोर करोड़ फाइव करोड़ यहाँ तक क्लियर हुई चीज़ अब हम देखते हैं बेसिक्स ऑफ पिक्यूलरी रजिस्ट्रिक्शन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर मीन्स अब ये वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर मीन्स क्या है कि मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट देखें जब आप अपना सूट को इंस्टीट्यूट करवाने जा रहे हैं कोर्ट के अंदर तो उसकी मार्केट वैल्यू देखी जाएगी कि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है फिर वो कोर्ट में इंस्टीट्यूट होगा सेकेंडली अब वैल्यूएशन ऑफ सूट कहाँ पर डिटरमाइंड है वैल्यूएशन ऑफ सूट डिटरमाइंड है हमारे पास सूट वैल्यूएशन एक्ट एटीन हंड्रेड एट्टी सेवन के अंदर वहाँ पर आपको वैल्यूएशन ऑफ सूट जो है डिटरमाइन डिटर्मिनेशन है उसके बाद है कॉन्सिक्वेंस इफ़ कोर्ट हैज़ पिक्यूनरी जुरस्टिक्शन कॉन्सिक्वेंस क्या है कि अगर कोर्ट के पास पिक्यूनरी जुरस्टिक्शन हो देखिए अगर कोर्ट के पास पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है सो इट एजुडिकेशन इज़ बाइंडिंग अपॉन पार्टीज पहली पॉइंट ये कि जो जुरिस्टिक्शन अगर लगती है तो उसकी जो एडुडिकेशन होगी कोर्ट की वो तो बाइंडिंग होगी बहुत पार्टीज़ पर पार्टी ए पर भी पार्टी बी पर भी उसके बाद रेमेडी अगेंस्ट अब इसके खिलाफ रेमेडी क्या है इसके खिलाफ रेमेडी है कि अगर रॉन्ग डिसीजन आ जाता है तो उसके लिए आप अपील फाइल कर सकते हैं रिव्यू भी और रिविजन भी तो ये इसके लिए रेमेडी है अगर कोर्ट के पास पिकिनरी जुरस्डिक्शन ना हो तो क्या होगा क्वेश्चन आ सकता है ना आपके जहन आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि अगर कोर्ट के पास पिकनरी जुरजडिक्शन हो ही ना तो कोर्ट क्या करेगी तो कोर्ट करेगी एक तो रिटर्न टू प्लेंट और एक करेगी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट रिटर्न टू प्लेंट है हमारे पास सेवन और टेन ऑर्डर सेवन और रूल नंबर टेन के अंदर टू फाइल द सेम टू द कोर्ट विच हैव जुरेशन अब रिटर्न टू प्लेंट के अंदर क्या होगा कि कोर्ट उसको प्लेंट वापसी दे देगी प्लेंटिफ को कि जिसके पास भी जुरिजिक्शन है आप वहाँ पर जाके केस फाइल करें उसके बाद है सेकंड Rejection of plant, जो कि के 7 -11 के अंदर है है अगर किया जाता या या तो undervalued हो, या तो overvalued हो हो so को कहा जाएगा कि आप इसको इसकी वैल्यूएशन को करेक्ट करें विद इन द टाइम पीरियड फिक्स बाय द कोर्ट जिस जो टाइम पीरियड दिया गया है कोर्ट ने उस हिसाब से अब नेक्स्ट एक और यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है एक यहां पर एक जो हमारे पास सेक्शन है वो इंटरकनेक्टेड है इसके साथ वो है प्रॉपर फॉरम टू इंस्टीट्यूट सूट प्रॉपर फॉरम क्या है कोर्ट को सूट को इंस्टीट्यूट कराने के लिए तो प्रॉपर फॉरम का जिक्र है हमारे पास सेक्शन नंबर 15 के अंदर अब सेक्शन नंबर 15 क्या कहता है दैट एवरी सूट शल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू इट दिस सेक्शन डायरेक्ट्स डेट वेयर देर आर मोर देन कोर्ट्स ऑफ लोअर ग्रेड कॉम्पिटेंट अब देखें यहाँ पर यह बताया गया है सेक्शन नंबर 15 के अंदर सिंपली हमारे को कि आपका जो भी सूट दाखिल होगा वो सबसे पहले लोअर ग्रेड ग्रेड में होगा उसके बाद जो है अपग्रेड में जाएगा ठीक है अब अब अप ग्रेड सेक्शन नंबर फिफ्टीन हमें सिंपली क्या बताता है कि कौन सी कौन सा प्रॉपर फॉरम है कौन सा प्रॉपर फॉरम है कोर्ट को अपना सूट इंस्टीट्यूट कराने के लिए कोर्ट को अपना सूट इंस्टीट्यूट कराने के लिए जो प्रॉपर फॉरम है वो लोवेस्ट ग्रेड से स्टार्ट होता है लोवेस्ट ग्रेड से स्टार्ट होगा फिर अब फिर अब फिर अब so, आपको समझ में आएगा आज का ये टॉपिक पिक्यूनरी जुरिजिक्शन के पिक्यूनरी जुरिडिक्शन की एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है और पिक्यूनरी जुरिस्टिक्शन सेक्शन नंबर सिक्स हमें बताना क्या जाता है तो अगर कोई भी क्वेश्चन राइज होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं थैंक यू